हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है एक और सीओसी के इंटरेस्टिंग एपिसोड में। तो गाइज, आज मैं आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग बेस लेआउट लेकर आया हूँ, मेरे को भी काफ़ी अच्छा लगा। एंड इसमें पूरा आप देख सकते हो मिसाइल बना हुआ है एंड बीच में लिखा हुआ है इसरो। सो गाइज, एवरी इंडियन क्लैशर मस्ट कॉपी दिस बेस लेआउट। गाइज, फटाफट से कॉपी कर लेना, मतलब अगर इंडियन हो तो कॉपी करना आपके लिए बनता ही है, मतलब बनता ही है। अगर मैं आपको दिखाऊं इसका फोटो मोड में आकर, तो गाइस देख सकते हो यार एपिक बेस है। एंड व्यू वॉल्स करता हूं ओनली, एंड फिर फोटो मोड आप देख सकते हो यार, मिसाइल काफ़ी अमेजिंग लग रही है। तो सारे के सारे इसको कॉपी कर लेना, टाउन हॉल 11 एंड 12 दोनों ही प्लेयर्स इसको कॉपी कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जाइए, जाकर इस बेस को कॉपी करिए। आप इसके पीछे की कहानी कईयों को नहीं पता होगी, तो गाइस ये चंद्रयान 2 के बारे में ही है। उन्होंने अपने इसरो ने सेटेलाइट लॉन्च किया था, अपना जो रॉकेट है चांद पर भेजा था, बट वो एक ऐसी जगह उतरना चाहते थे जहां आज तक कोई चांद पर उतरा नहीं था। तो केवल 2 किलोमीटर पहले सेटेलाइट से संपर्क जो होता है उनका नहीं बन पाया, बट 95% अपना मिशन सक्सेसफुल हो गया। तो उसके लिए सेलिब्रेशन के लिए गाइस ये बेस अपने एक्टिव कर लीजिए। जो जो लेजेंड लीग में है ना, उनको तो ये चीज करनी चाहिए, क्योंकि उनके इस बेस पर अटैक नहीं होता। अब मान सकते हैं दूसरों के जिनके अटैक हो जाएगा, वो शील्ड मोड जब तक है जब तक करिए। सो कॉपी कर लीजिएगा, वीडियो कैसी लगी बताना, लाइक करिएगा। इस बेस के लिए एक बिग शॉट आउट देना चाहता हूँ मैं पेपर बोर्ड गेमिंग चैनल को, डिस्क्रिप्शन में उनका चैनल लिंक आपको मिल जाएगा, तो उनको भी चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि ये बेस मेरे को उन्होंने ही प्रोवाइड किया है। तो मेरी जिम्मेदारी थी मैं एक वीडियो बनाऊँ इस पर्टिकुलर बेस पर। सो बेस कैसा लगा ये भी कमेंट करना, एंड बस यार अब बताने की जरूरत नहीं है शेयर कितना करना है। आप सब इंडियन हो, इंडियन क्लैशर्स कर दो जो करना है आप वीडियो के साथ, ठीक है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। छोटी वीडियो है, बेस दिखाना था, बाय बाय।